मोरक्को में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 632 लोग मर गए हैं, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तबाही के मंजर के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। 6.8 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद लोग घबरा कर अपने अपने घर छोड़कर भाग गए। भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। भूकंप का केंद्र मोरक्को के मराकेश से करीब 70 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। मोरक्को के ऐतिहासिक शहर मार्केश के चारों तरफ बनी प्रसिद्ध लाल दीवारों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मोरक्को में भूकंप के झटके कई सेकंड तक जारी रहे। यूएसजीएस ने कहा है कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर नीचे था, जबकि मोरक्को की भूकंपीय एजेंसी ने इसे 8 किलोमीटर नीचे बताया है। पुर्तगालियन इंस्टीट्यूट ऑफ सी एंड एटमोस्फेयर और अल्जीरिया के नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार भूकंप पुर्तगाल और अल्जीरिया तक महसूस किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।